हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ड्रीम होम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 30 बाई 45 फीट का पूर्व मुखी होम प्लान लेके आया हूं और इसको एज पर वास्तु बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्लान आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इस प्लान को मैंने 3D में बनाया है, तो बहुत ही आकर्षक प्लान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको एक लाइक करेंगे। तो तुरंत एक लाइक कर दीजिए और आप इसका 3D व्यू देख लीजिए, और उसके बाद जो है मैं इसका प्लान दिखा के आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये फ्रंट से हम लोग देख रहे हैं, यह कार पार्किंग एरिया है और अभी हम जा रहे हैं हॉल में। यहाँ पर हम हॉल में एंट्री कर गए हैं और यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल चेयर का लेआउट किया गया है और इसके राइट साइड में ही स्टेयर केस बनाया गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यह लिविंग रूम है और इसमें सोफे का, फर्नीचर का सब कुछ लेआउट किया गया है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप लोग फटाफट एक एक लाइक करते रहिए। ये देखिए किचन एरिया है और इसमें जो है सब कुछ अच्छे से लेआउट किया गया है। ये देखिए जो है किचन कैबिनेट है, कितना खूबसूरत है यह, और इसमें सब कुछ कितने अच्छे से लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए बेडरूम है और इसमें सब कुछ कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बेड का लेआउट किया गया है। और चलिए अब इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है सब कुछ एडजस्ट किया गया है। अब वापस चलते हैं, जो है एक दूसरा जो है टॉयलेट है कॉमन, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शावर वगैरह का भी एडजस्टमेंट सारा कुछ किया गया है। और यहाँ से हम देखते हैं एक, ये देखिए यहाँ पे स्टेयर केस जो है हॉल में ही दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ये सेकंड बेडरूम है, तो इसमें फर्नीचर वगैरह का लेआउट किया गया है। और चलिए अब हम जो है आपको बाहर का एरिया दिखा देते हैं। तो देखिए ये बाहर का एरिया है, कितना सराउंडिंग इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्लान आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो तुरंत एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।